26 जनवरी 2015 की परेड में जिस सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की झांकी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने प्रस्तुत कर खुद को पर्यावरण और पक्षी प्रेमी के तौर पर मोदी सरकार ने खुद को पेश किया था। आज उसी सुल्तानपुर नेशनल पार्क का अस्तित्व बर्ड सेंचुरी के साथ लगती जमीनों में इलाकों में धड़ल्ले से जारी अवैध कंस्ट्रक्शन के चलते खतरे में पड़ता जा रहा है और सरकारी अनदेखी ही कहेंगे कि जहां पहले नेशनल पार्क का दायरा 5 किलोमीटर तक किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए प्रतिबंधित था, वहीं इसका दायरा भी पहले से घटाकर 500 मीटर और फिर 300 मीटर तक कर दिया गया और इसी के चलते जो पक्षी उद्यान इस समय तक हजारों पक्षियों की चहचहाट से गुलजार रहता था, वहीं इस बार पक्षियों की संख्या में खासी कमी दर्ज की जा रही है। यहाँ पे विदेश के जो पक्षी हैं उनको देखा काफी अच्छा लगा और लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पे आके, तभी वो यहाँ के बारे में भी, कल्चर के बारे में जान सकेंगे, तो काफी अच्छा लगा इधर। ठीक, देखिए अब तो जैसे कि बीच में तो बिल्कुल ही कम हो गए थे बर्ड्स यहाँ पे पहुँचना, अब जब से थोड़ा सा ये पानी वगैरह जो गवर्नमेंट ने डाला था इसमें 1991 में नेशनल पार्क जब बनाया था तब से नहर से कनेक्टेड किया था, तब से तो बर्ड्स की संख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। अदरवाइज पहले की अपेक्षा जैसे बीच में सूख गया था तो उसमें बर्ड्स आने बंद हो गए थे, अब दोबारा से शुरू हो गए हैं और इतने बर्ड्स अभी नहीं आते जितने कभी पहले आते थे। कितने साल पहले, कितने करीब 40-50 साल पहले यहाँ पे पूरा भरा हुआ होता था बर्ड से, चारों तरफ पानी पानी होता था, पेड़ पौधे होते थे और उनको अब एक और कारण भी हो गया है कि यहाँ पे पहले फ्लड होके पानी आता था दूर दूर से, जैसे मानेसर का पूरा एरिया कंपनी के क्षेत्र में हो गया है तो वहाँ से अब पानी आना बंद हो गया है। रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी आता था, वहाँ पे लोगों ने फार्म हाउस बना लिए हैं और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा संख्या में काटे गए हैं तो उनसे बर्ड्स पे तो प्रभाव पड़ता ही है। जो पेड़ पौधों के साथ साथ जो छोटे बर्ड्स जो आते हैं जो पानी के नहीं होते, जो वुडलैंड बर्ड जिनको बोलते हैं, वो उनमें तो बहुत ही फर्क पड़ा है। पहले तो बहुत सी वॉबलर टाइप के बर्ड्स, मुनिया, फ्लाई कैचर्स आते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। बढ़ता प्रदूषण और सुल्तानपुर नेशनल पार्क के सामने आसपास की जमीनों में लगातार अवैध निर्माण जारी है और इसी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते धीरे धीरे इस राष्ट्रीय उद्यान का दायरा सिमटता जा रहा है और इसके अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है।